मैं जिस तरह से वायरल हुआ, तो मैं दोनों पक्ष के लिए वायरल हूँ। सहारा की मैनेजमेंट यानी सहारा इंडिया परिवार में सहारियन बोला जाता है, तो सहारियन के लिए भी मैं वायरल हूँ, और सहारा के विरोध पक्ष में जो बागी लोग हो गए, बागी लोगों के लिए भी मैं वायरल हूँ। इसलिए मुझे दोनों तरफ से फेस करना पड़ रहा है। अभी पिछले 7 दिन से ऑल ओवर इंडिया में जोनल लेवल और रीजनल लेवल की जो मीटिंगें चल रही है, उसमें थोड़ा सा हम लोग बिजी है। और जहां तक सहारा का अस्तित्व का सवाल है, बहुत सहारा की अस्तित्व को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सहारा का अस्तित्व क्या है, तो मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया अब सहारा वर्ल्ड बन चुका है। सहारा इंडिया अब सहारा वर्ल्ड बन चुका है, और हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी कंपनी बनने जा रही है जब जब फाइनेंशियल सेक्टर में कोई अगर 10 रुपए भी अगर निवेश करने का सोचेगा, तो पहले वो सहारा के बारे में जरूर सोचेगा कि सहारा में भी कुछ रखा जाए। क्योंकि पिछले 12 वर्षों से सहारा का कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने के बावजूद भी सहारा का पक्ष तो अभी तक सुना ही नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ सहारा को पैसा जमा करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए 2012 से लेके आज तक कहा गया है, सहारा का पक्ष सुना नहीं गया है, जो कि अब बहुत जल्द सहारा की पक्ष को भी सुना जाएगा। और तथा कथित जो सहारा के ऊपर फ्रॉड और चीट का जो आरोप लगाया जाता है, उसका खुलासा होगा। सहारा अपने आप को एक ऐसा कॉरपोरेट साबित करने जा रहा है इस देश में कि सबकी मुंह बंद हो जाएगी और आंख फटे के फटे रह जाएंगे। बहुत ही जोरदार तरीके से सहारा फाइनेंशियल सेक्टर में आने जा रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तक सहारा ने कोई फ्रॉड किया है ये साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये साबित नहीं किया है, इसलिए उस पर जाना कि सहारा ने चीटिंग किया, सहारा ने गलत तरीके से लाइसेंस लिया, गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करता था, गलत तरीके से मार्केटिंग करवाता था, ऐसा नहीं है। पैरा बैंकिंग को और बैंकिंग को अगर आप देखेंगे, आज अगर कोई बैंक में पैसा लेने के लिए जाएगा और अगर बैंक में कैश की कमी होगी, तो सर बैंक भी आपको बोल देगा कि आज आपको हम कैश नहीं देंगे, कल आइएगा। इसलिए पैरा बैंकिंग में जहां तक लिक्विडिटी का सवाल होता है, तो जो बैंकिंग में काम करते हैं वही आपको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से लिक्विडिटी रहता है। जहां तक नियम और कानून का सवाल है कि आरबीआई में जब थे तब अच्छा था, आरबीआई के बाद खराब हो गया, तो क्या आरबीआई के बाद रेगुलेटर के अंडर में सहारा नहीं था? क्या बिना रेगुलेटर का सहारा काम कर रहा था? तो इस पर अभी जाना ठीक नहीं है। रेगुलेटर हमेशा सहारा के ऊपर रहा है और रेगुलेटरी के अंडर में ही काम किया है। जहां तक सहारा की लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से जो वॉलेट सिस्टम लगाया गया, जहां पर लोगों से कलेक्शन करने पर मैनेज करने की बात की गई थी कि हमें कमांड लेवल तक मैनेज करना पड़ेगा, उस बात को लेकर के सहारा को एक इस तरह से दिखाया जा रहा है कि देखिए यहाँ किस तरह से बिजनेस किया जाता था। तो वो एक मजबूरी था, मजबूरी में वॉलेट सिस्टम लगाई गई थी और कुछ दिनों के लिए लगाई गई थी। सहारा का फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक गारंटी, आज हिंदुस्तान की किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर की बैंक गारंटी क्या है, ये शुभम कुमार अपने आप को बहुत बड़ा कॉरपोरेट का जानकार बोलते हैं। जरा ये मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर है जिसका बैंक गारंटी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है? किसी भी एक कंपनी का नाम बताएं जिसका बैंक गारंटी 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो। सहारा इंडिया परिवार का सबसे बड़ा बैंक गारंटी एमबी वैली है, और अगर कोई भी लाइसेंस सहारा को आरओसी दिया हो, एमसीए दिया हो, या हम सहारा इंश्योरेंस सेक्टर में 2004 में ही उतर गई थी, क्या किसी को पता है कि सहारा का खुद का लाइफ इंश्योरेंस था? सहारा इंडिया हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसका खुद का लाइफ इंश्योरेंस था। क्या सहारा को ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट मिल गया था, लाइसेंस मिल गया था? कुछ तो देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे तो सहारा को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए नहीं मिला था लाइसेंस। और 1986 से लेकर के 2007 तक जो सहारा को अवार्ड मिला है, उसको भी देखने की जरूरत है कि सहारा को इतने सारे अवार्ड कैसे मिले थे।